नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस कार्यक्रम में खेती किसानी से जुड़ी हुई अहम जानकारियां हम आपके लिए लेकर आते हैं और इसी कड़ी में कृषि दर्शन कार्यक्रम की आज की इस कड़ी में हम जानेंगे सरसों की खेती से जुड़ी नवीनतम कृषि तकनीकों के बारे में, साथ ही बात होगी ऊटनी पालन के बारे में भी। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। दलहन के मामले में आत्मनिर्भर बनने के बाद अब सरकार का पूरा जोर है तिलहन की पैदावार बढ़ाने पर और सरसों तिलहन की मुख्य फसल है। ऐसे में सरसों की पैदावार बढ़ाने के लिए कौन कौन से नवीनतम कृषि तकनीक को अपनाया जा सकता है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। सरसों और राई की गिनती भारत की प्रमुख तीन तिलहनी फसलों में होती है, जो देश में आई पीली क्रांति के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है, जिसके कारण भारत में तेल के आयात में न केवल अनअपेक्षित कटौती हुई बल्कि निर्यात की संभावनाएं भी बढ़ी है। विश्व में प्रमुख तिलहन फसलों में मूंगफली, सरसों, सोयाबीन और सूरजमुखी है। अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, चीन व भारत प्रमुख तिलहन उत्पादक देश है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि अगर सरसों की खेती वैज्ञानिक तरीके से की जाए और बुआई से लेकर कटाई तक कुछ विशेष बातों का ध्यान रखा जाए तो फसल को रोगों से बचाया जा सकता है और अधिक उपज ली जा सकती है। सरसों की फसल किसानों में बहुत ही लोकप्रिय है क्योंकि ये फसल कम सिंचाई और लागत में दूसरी अन्य फसलों की अपेक्षा अधिक लाभ देती है। सरसों की खली में 38-40% प्रोटीन होता है और ये एक अच्छा पशु आहार माना गया है। सरसों की फसल में कम उत्पादन के कारण अधिक बीज दर, उपयुक्त किस्मों का चयन ना करना, असंतुलित उर्वरक प्रयोग, रोग व कीटों की रोकथाम ना करना और नमी की सीमित मात्रा, साथ ही खरपतवारों का अधिक प्रकोप होना है। सरसों की अच्छी पैदावार किसानों की आर्थिक स्थिति को काफी हद तक प्रभावित करती है। सरसों की खेती में नवीनतम तकनीकें अपनाकर भरपूर लाभ उठाया जा सकता है। सरसों की खेती के लिए शुरुआत होती है भूमि की तैयारी से। जिस जमीन में खेती की जाती है उसको सबसे पहले खेती के लिए अच्छे से तैयार किया जाता है। फसल का उत्पादन बहुत हद तक भूमि की तैयारी के ऊपर निर्भर करता है। सरसों की अच्छी पैदावार के लिए बलुई दोमट मिट्टी, जिसमें जल निकास की सुविधा हो, साथ ही अत्यधिक अम्लीय व क्षारीय ना हो, उपयुक्त कही जा सकती है। हालांकि क्षारीय भूमि में सरसों की सही किस्म के चुनाव से अच्छी पैदावार ली जा सकती है। जहां जमीन क्षारीय हो वहां प्रति तीसरे वर्ष जिप्सम 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जिप्सम को मई या जून में जमीन में मिला दें। खेत की तैयारी के बाद बारी आती है फसल बुआई की। इसके लिए बुआई के समय का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर हमारे किसान सही समय पर बुआई करते हैं तो उन्हें अच्छी पैदावार मिल सकती है। बुआई का उचित समय किस्म के अनुसार सितंबर मध्य से लेकर अक्टूबर अंत तक का होता है। सरसों में अंकुरण अच्छा हो इसके लिए बुआई के समय दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सरसों की बुआई नवंबर में करनी हो तो देरी से बुआई के लिए उपयुक्त किस्मों का उपयोग करने से अधिक पैदावार प्राप्त की जा सकती है। कृषि दर्शन कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होते हैं, बने रहें हमारे साथ।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। ऊंट के दूध में औषधीय गुण होते हैं, इसकी क्या कुछ विशेषता होती है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। रेगिस्तानी जहाज ऊंट, जो कई दशकों से परिवहन और सामान ढोने के काम आता था, और आज वही ऊंट दुधारू पशु के रूप में बेहतर विकल्प के तौर पर सामने आया है। ऊंटनी का दूध औषधीय गुणों से लबरेज है। कई देशों में ऊंटनी का दूध पिया जाता है, और सिर्फ पिया ही नहीं जाता, औषधि के रूप में इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। ऊंटनी के दूध के चमत्कारी फायदों की वजह से ही इसे सफेद सोना कहा जाता है। राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर राजस्थान में ऊंटनी के दूध पर किए गए अनुसंधान के मुताबिक ये दूध कई बीमारियों के लिए रामबाण सिद्ध हो चुका है। वर्ष 2017 में ऊंटनी के दूध को FSSAI द्वारा गहरी जांच पड़ताल और वैज्ञानिक अनुसंधान के बाद ह्यूमन फूड की श्रेणी में शामिल कर लिया है। NRCC के निदेशक डॉक्टर NV पाटिल ऊंटनी के दूध से जुड़े कई फायदे बताते हैं। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनके पास हमने हमारे यहाँ के जो दूध के केमिकल एनालिसिस, न्यूट्रिशनल एनालिसिस, इसके जब रिजल्ट भेजे तो लगभग बहुत सालों के पश्चात अब ये बात हुई है कि ऊंटनी का दूध पूरी तरह से एक स्वास्थ्य हेतु अच्छा दूध माना गया है, उसको प्रमाणित किया गया है, और उसके स्टैंडर्ड्स सेट करते हुए अब ऊंटनी का दूध का व्यापार हम कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 2017 के फरवरी में इसके स्टैंडर्ड्स निश्चित किए हैं, जिसके तहत जो 2% जो फैट है और लगभग 6.5% इसका SNF सॉलिड नॉट फैट है, ये अगर प्रकार का दूध अगर ऊंटनी से आता है तो उसका हम अच्छी तरह से मार्केटिंग कर सकते हैं। ऊंटनी के दूध के कई बेमिसाल फायदे हैं। ये मानव शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। ऊंटनी का दूध मधुमेह के शिकार लोगों के लिए किसी रामबाण से कम नहीं है। डॉक्टर पाटिल बताते हैं कि कई शोधों से ये तथ्य सामने आया है कि इसमें कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से भी लड़ सकते हैं। जब डायबिटीज की बात है तो बहुत अच्छे निष्कर्ष के बाद हमने ये देखा कि डायबिटीज इस वजह से ठीक होता है कि ऊंटनी के दूध में जो प्रोटीन है वो एक स्पेशल तरह का प्रोटीन है, और वो प्रोटीन जब डाइजेशन के लिए पाचन संस्था में जब जाता है तो पाचन होते हुए उसके जो छोटे छोटे टुकड़े जिसको पेप्टाइड्स कहते हैं, उन पेप्टाइड्स में इंसुलिन जैसी एक्टिविटी होती है, और इसी वजह से इनकी दूध में जो प्रोटीन है और प्रोटीन के बाद पेप्टाइड्स जो उपलब्ध होते हैं उनसे हम इंसुलिन का काम करवा सकते हैं। जिनकी स्केल एटिक स्केल उसको कहते हैं कि ऑटिज्म ट्रीटमेंट इवेल्यूशन चेकलिस्ट, जिसमें कि 170 करीब ऑब्जर्वेशंस होते हैं, उन ऑब्जर्वेशंस के निर्णयानुप्रत जो बच्चों को 50 से 70 जो उसकी स्केल है वो अगर कम हो जाती है तो उनका सुधार के रूप में उसको देखा जाता है। तो लगभग 70 दिनों में अगर उनको ऊंटनी का दूध पिलाया जाए तो 70 दिनों में ये बच्चों की जो स्केल है वो 30 तक कम होने में, इसका मतलब है कि उनको अच्छी तरह से उसका फायदा होते हुए ऑटिज्म के जो भी लक्षण हैं उसमें उससे निजात वो पा सकते हैं। ऊंट के संपूर्ण आहार की बात करें तो अन्य पशु की अपेक्षा कम है। ऊंट को अपने भार के मुताबिक 1 से 1.5% आहार चाहिए होता है। ऊंट एक ऐसा पशु है जो न सिर्फ तेज गर्मी बल्कि ज्यादा ठंड में भी रह सकता है। इसके रहने के लिए किसी खास इंतजाम की जरूरत नहीं होती।
ऊँटनी का दूध ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी के उपचार में भी उपयोग किया जाता है। ऊँट कम देखरेख वाला पशु है और इसके दूध के फायदे तो आज पूरी दुनिया के सामने हैं, लेकिन फिर भी इसकी तादाद में आती गिरावट बहुत बड़े चिंतन का विषय है। कृषि दर्शन कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको एक सफल ऊँटनी पालक से मिलवाएंगे। बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए अब हम आपको मिलवाते हैं एक सफल ऊँटनी पालक से, जिन्होंने ऊँटनी के संरक्षण के लिए कई समूह बनाए हैं और ऊँटनी के दूध से तैयार उत्पाद को आगे बढ़ाने के लिए ये कार्य कर रहे हैं। आइए मिलते हैं इनसे। शायद ही ऊंट के अलावा कोई जानवर राजस्थान की शान का प्रतीक है। ये ऊंट राजस्थान की गलियों की जीवन रेखा रही है। फिर चाहे परिवहन के तौर पर इसका इस्तेमाल करना हो या फिर सामान ढोने के लिए उपयोग में लाना हो। वैसे तो राजस्थान में कई लोग ऊंट पालन करते आए हैं, लेकिन मुख्य तौर से रायका समुदाय के लोग ऊंट पालन में आगे रहे हैं। राजस्थान और ऊंट का रिश्ता कई बरसों पुराना है, जो निरंतर ही आगे बढ़ता चला जा रहा है। कई ऊंट पालक इससे अपनी आय सृजन भी कर रहे हैं। एक ऐसे ही ऊंट पालक हैं जैसलमेर के गांव सावता के सुमेर सिंह भाटी। 32 साल के सुमेर सिंह भाटी ने कई वर्षों तक दूसरे राज्यों में व्यवसाय किया। ऊंट पालन उन्हें उनके पूर्वजों की देन है। मेरे यहाँ पूर्वजों की जैसे ऊँटनिया का था, पशुपालन का हमारा व्यवसाय था, उस व्यवसाय को देखते हुए और यह इसका मुझे यहाँ लगा कि मैं इसमें मुझे बचाना पड़ेगा। उसको बचाने के लिए मैं मेरी कोशिश कर रहा हूँ। पिताजी के द्वारा जो जैसे अचल संपत्ति मानी जाए तो बहुत ही बहुत कुछ मिला है। सबसे बेस्ट तो उनका मार्गदर्शन मिला। वो यहाँ इस एरिए के जाने माने थे, शिक्षित भी थे और यहाँ का लगाव था बहुत अच्छा। तो मुझे उनकी जो रास्ते पे चल रहा हूँ तो बहुत अच्छा मुझे मार्गदर्शन मिल रहा है। पिछले कुछ वर्षों में ऊँट की आबादी में गिरावट एक बड़े चिंतन का विषय बन गई है, मुख्य रूप से उन समुदाय के लिए जिनकी आजीविका पूर्ण रूप से ऊंट पालन पर निर्भर करती है। सुमेर सिंह भाटी जिन्होंने ऊंटों के स्वर्णकाल को देखा हो, उनके लिए ऊंटों का पतन देखना कैसे गवारा था। सुमेर सिंह भाटी ने ऊंट बचाव के लिए एक समूह का गठन किया। ग्रुप का नाम है, जैसे एक एनजीओ है, संस्थान है, देवराय उष्ट संरक्षण दूध विपणन विकास सेवा संस्था सावता जैसलमेर राजस्थान। तो मुझे क्या हुआ कि यहाँ ऊँटनियों को संख्या को घटते देख करके इस कारण से मैंने इसको बचाव और संरक्षण के लिए इस समूह को एक एकत्रित किया है और इस समूह को मैं बढ़ाना चाहता हूँ। जैसे इसमें संख्या की मतलब बचाव के बढ़ता रहे। 7 लोग अभी इसमें हुए हैं और मैं इस को सदस्यता को बढ़ाना चाहता हूँ, ग्रुप को आगे बढ़ाऊँगा। और यहाँ हमारी टोटल इस 15-20 किलोमीटर की रेंज में कम से कम 5,000 ऊँटनियाँ हैं और यहाँ दूध का तो बहुत भंडार है। यहाँ कम से कम 10 क्विंटल के लगभग दूध हमने जाएगा ऊँटनी। ऊँट और ऊँटनियों के संरक्षण के लक्ष्य के साथ इस समूह श्री देगराय उष्ट संरक्षण एवं दुग्ध विपणन विकास सेवा समिति का गठन किया गया ताकि ऊँटों के स्वर्णिम काल को फिर से लौटाया जा सके, जिससे कि ऊँट पालन के लिए आय का स्रोत पैदा हो सके। ऊँटनी बिल्कुल ये सदा नहीं चल रही है आगे और कमी पड़ रही है। उसके कारण समय सिंह सम्मेलन करेगा कि ऊँटनी रोको और सहायता भी मिलेगा, गवर्नमेंट भी देगा। जना मैं तो इकट्ठे कर रहे हैं, लारे फिर रहे हैं
और पैदाशी तो कुछ नहीं है मतलब, इसलिए मैं तो दौड़ रहे यानी हमें समीर सिंह संगठन करी है और गवर्नमेंट में मांग करे तो कभी भी मिल सके को मिल सके नहीं, दौड़ दौड़ कर रहा है गवर्नमेंट से मांग कर रहे है, ये कारण कमी आ गई ऊँटनी हमें कह इतनी कमी पड़ गई और ऊँटनी को रोको और बदलने सहायता करो। ऊँटनी के दूध के अलावा भी ऊँट से कई तरह के उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं। ये हमारी टाट पट्टी है जो ऊँट से ऊँट की ऊन से ये बनाया जाता है और इसको बना करके हमारे हम सेल भी करवाते हैं इसको और इसकी उनको यहाँ मतलब जैसे चरखा से हाथ से भी काटा जाता है और काट करके इसको हम सेल कर बनवाते हैं, बनवा करके भी सेल करते हैं 3,000-3,500 तक ये जाती है। ये 15 साल तक इसको कुछ मतलब बिछाने में बहुत ही अच्छा है, उससे ऊन से एक ओढ़ने का भी बनाते हैं हम, वो भी अच्छा रहता है, जो कंबल रहती है उनका बहुत ही अच्छा इसका है। और इसमें ऊँट में तो ऊँट का हड्डी से भी कुछ आइटम बनते हैं। इस इलाके में लोग ऊँट पालन को सिर्फ एक व्यवसाय या आमदनी का जरिया ही नहीं मानते बल्कि ऊँट पालन इनके समाज और संस्कृति में रचा बसा है। लेकिन बढ़ते मशीनीकरण ने ऊँटों की पहचान को धुंधला सा कर दिया है जिसे फिर एक बार तरोताजा करने की जरूरत है और सुमेर सिंह भाटी जैसे किसान इस मकसद को पूरा करने के लिए निरंतर कोशिश करने में जुटे हैं। माताजी का बहुत बड़ा मेरे को आशीर्वाद है, 4 साल हो गए मेरे पिताजी को डेथ हो गए तो उसके बाद माताजी ने हमारे को संभाला है, बहुत ही अच्छा हमारे को मतलब आशीर्वाद है। माँ हमारे लिए सबसे बेस्ट, हम मानते माँ को, माँ के आशीर्वाद से हम आगे आ रहे हैं। उन्हें जरूरत है सरकार के कुछ ठोस कदम की जिससे कि ऊंट पालकों को एक राह मिल सके जिस पर चलकर वे सफलता को छू सके। ये था आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम। कार्यक्रम से संबंधित अपने सुझाव आप हमें भेज सकते हैं। सुझाव भेजने के लिए हमारा ईमेल आईडी है krishidarshandk@gmail.com। इसके साथ ही आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं, हमारा पता नोट कर लें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आज के कृषि दर्शन में बस इतना ही, अगली कड़ी में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।